एक बात पूछ, फोन तो ना छीनो तुम हमारा। ये बताओ अगर ब्रेकअप हो जाए लड़के का तो क्या करना चाहिए जिंदगी में? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है कभी? स्थिति है, लेकिन जैसे अट्रैक्ट होती है ना वो पता नहीं आती तो बहुत जोड़ते हैं तो भाग लेती है। तो भाई बहुत लोग ये सोच रहे थे कि सौरभ भाई ने ब्लॉग बनाने छोड़ दिया, क्या कर दिया। सो भाई मैं तुमको बताता हूँ हुआ क्या एग्जैक्टली। देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने नागर भाई के पास कुछ काम से, तो मैंने सोचा कि आज क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। भाई मैंने ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ा, मैंने आपको बताया था चैनल पर दो स्ट्राइक आ गए, तो एक जो स्ट्राइक होगी ना वो 16-17 अक्टूबर को हटेगी, तो आई डोंट वॉन्ट कि एक और स्ट्राइक आ जाए। एक स्ट्राइक और आई ना तो भाई तुम्हारा चैनल पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारे भाई का। तो इस वजह से मैंने ना ब्लॉग्स बनाने बहुत उनकी जो पेस थी ना वो कम कर दी। अब सोचो लास्ट ब्लॉग मैंने 8 दिन या 10 दिन पहले डाला था। पहली बार मेरे पापा ने रात में मेरे को बोला कि बस हो गया खत्म, बन गए तुम्हारे ब्लॉग। मैंने पापा ऐसा 10 दिन चला, पापा बोले बहाने देने, बहाने तो कोई भी दे ले, करके दिखा मैं तो बस। हम तब माने तो कितना रेगुलर है। सो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो। तो तुम्हारा भाई वापस आ गया है नए ब्लॉग के साथ, नई मस्ती के साथ, नए धमाल के साथ। अभी चल रहे नागर भाई के पास क्योंकि नागर भाई को आज वापस लेकर आना है, क्योंकि वो एनटीपीसी छोड़ के चला जाएगा। यार बहुत दुख है, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी बड़ी खुशी से हुई है पर मैंने दुख भी दे दिया तुम्हें साथ के साथ, क्योंकि उसके पापा का रिटायरमेंट हो गया है। तो भाई वो शिफ्ट कर रहे हैं एनटीपीसी से ग्रेटर नोएडा, उधर उसका घर है तो वो उधर शिफ्ट कर रहा है। तो आज क्या हुआ कि मैंने बोला चल मैं तेरे पास आ रहा हूँ भाई, वहाँ से फिर थोड़ा साथ आ जाएंगे, दोनों भाई खाएंगे पियेंगे मौज काटेंगे, वहाँ के बाद घर चलेंगे, फिर संडे को शायद से वो चला जाए। तो कोई बात नहीं, एनडीपीसी से जा रहा, दिल में तो हमेशा नागर भाई रहेगा हमारे। तो चलते हैं ग्रेटर नोएडा, दिखाते हैं नागर भाई का सिस्टम क्या है क्या नहीं, उसका पूछते हैं क्या रिएक्शन है, क्योंकि वो पूरे साल एनडीपीसी में ही रहा था भाई। तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि उसके दिल से क्या अरमान है, क्या निकलेंगे उसके दिल के अरमान। हाँ भाई, मतलब एक सैड न्यूज़ तो मैंने आपको ये दी थी कि नागर भाई एनडीपीसी से जा रहे हैं, और एक सैड न्यूज़ ये है कि मेरे राहुल भाई का ब्रेकअप हो गया फाइनली। देखो मैं तो खुश हूँ कि उसका ब्रेकअप हो गया, बट वो खुश नहीं है। तो भाई दिखा दो, अरे भाई दिखा दो। तो भाई जा रहा था कोचिंग अपनी, बोला कि भाई मैं फोकस हो चुका हूँ पढ़ाई को लेके, लड़की तो आती जाती रहेंगी, अब मुझे पढ़ाई करनी है। मैं डॉक के ब्रो, तो मैंने बोला कि काम कर, मतलब अभी भी प्यार करता है क्या तो उससे? तो मैंने उससे बोला कि भाई तू एक काम कर, मुझे तो नागर, इसका कोचिंग जो सेंटर है ना नागर के उधर ही आस पास, तो मैंने बोला तू मुझे नागर के पास छोड़ दे, वहाँ मैं नागर के पास रुक जाऊंगा, फिर शाम को नागर में और देखता हूँ तीसरा बंदा किसके साथ आएंगे वो आपको पता ही चल जाएगा। सो भाई ब्रेकअप होके कैसे लगता है, सही बता दे? अरे बता तो सही, पागल हो गया भाई। भाई का अरमान आंसुओं में बह रखे हैं भाई, उन्होंने कह रहा है कि ब्रेकअप के बाद मरना लगता है, पर यू किसे कौन बताए कि भाई जब ब्रेकअप होता है तभी इंसान आगे बढ़ता है, तभी वो सीखता है, पर ये बात समझ नहीं रहा, समझ जाएगा टाइम के साथ हमें क्या दिक्कत है। हम चले ग्रेटर नोएडा, खाएंगे पियेंगे। अभी मैंने सोचा कि अभी जब जा ही रहे हैं उधर तक, तो मैं सोच रहा हूँ ये ब्रेकअप वाला पागल हो गया। अरे सुन तो सही, मैं पता क्या चाहता हूँ कि अब अगर कहीं बंदे बंदे मिले ना ऐसा चलते हुए रोडों पे, तो मैं उनसे पूछूंगा ब्रेकअप के बाद लड़का को क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए जिंदगी में, तो उनका रिएक्शन देखते हैं ब्रेकअप पर क्या कहते हैं। जैसे अंकल आ रहा अभी, कुछ कहेगा भाई मेरा भाई, एक बात तो सुनो, एक बात पूछ, फोन तो ना छीनो तुम हमारा। ये बताओ अगर ब्रेकअप हो जाए लड़के का तो क्या करना चाहिए जिंदगी में? अरे फिर भी तुम्हारा ना हुआ क्या? अरे मेरी जान, चलो ठीक है भाई, चल भाई। बेकार, बहुत बेकार इंसान है ये, ब्रेकअप ना हुआ कह रहा है मेरा ब्रेकअप ही ना हुआ, तो अब रिकॉर्ड करते दूसरे वाले बंदे का, कोई भी रास्ते मिल जाएगा रैंडम बंदे से पूछेंगे कि भाई क्या होता है ब्रेकअप के बाद, ठीक है? तो आज तुम्हें मौत दिखाता हूँ ब्लॉग में भाई, पब्लिक पता है वो करते हैं। एक बात बता राहुल, एक बात बता, ना बता कि पागल हो गया भाई मैं, ऑफ कैमरा कितना फनी उनको बता दे आज, शकल देख के पता लग रहा होगा। अभी तुम्हें और दिखाता हूँ, और आज तुम्हें पब्लिक का रिएक्शन दिखाता हूँ तुम्हें कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है। भैया भैया एक बात पूछनी है, सुनो तो सही, आगे कुताओ फोन तो ना छीनो मेरा। मैंने तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कभी? आए आए ठीक है, ले ये तो हंस रहा है कहना हुआ तो खैर ब्रेकअप हम वो तो हम करते हैं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है अंकल के भाव रखा, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पब्लिक रिएक्शन लेंगे आज कि ब्रेकअप हुआ नहीं हुआ, पब्लिक रिएक्शन। अब जैसे साइकिल वाला अंकल है, रोक अब अंकल के पास रोक, आज लास्ट है अंकल। अरे ये तो अंकल है, छोड़ यार अंकल है छोड़, ये तो ज्यादा ही अंकल है, लौंडे लवा रहे ढूंढने भाई, जो कुछ कह में भी ना जैसे ही भाई भैया। अरे सुनो तो सही, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है कभी? ए तुम्हारा हुआ भाई ब्रेकअप? अरे हाँ या ना तो कर दो। अरे
रहा कि गुटका खा रहा हूँ ना, हुआ ब्रेकअप। अबे ये बैठा ही ब्रेकअप वाला प्रॉपर ब्रेकअप इंसान है भाई, मजा आ रहा। तो भाई फुल फुल व्लॉग सेट बना रहे हैं ना भाई, आसू ना पूछू कट्टा मार देना कभी पकड़ के बोले कि सर तू पैदा आ जा, मेरा ब्रेकअप हुआ तू करवा पैचअप। समझदारी उसी में जो बंदे अच्छे उनसे पूछो, जो सारे टीढ़ी बुद्धे को उनसे मत पूछो भाई। नागर के पास, नागर भाई के पास अंकल फ्लोर फाइव विभोर नागर यार, रुके तुम्हारे साथ एक बात करनी है भाई। बताओ अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जावे तो तुम क्या करोगे? सही बात है, फिर भी कुछ भी नहीं करने का भाई। तुम्हारा हुआ ब्रेकअप है? अभी थोड़ी लड़ाई हो गई थी हमारे अंकल के साथ, रिकॉर्ड नहीं कर रहा। गाड़ी को कह रहे यार कहीं मिला दो, ऐसा थोड़ी ना कहीं मिलाओ गाड़ी, खाली पार्किंग हमारे बाइक के घर की। क्यों भाई अभी भी हो रही है, हटाओ गाड़ी वहाँ से। अबे चल ऊपर चल रहे हैं, आराम से बैठेंगे यार, ऑफिस का टाइम हो रहा है, ऑफिस ऑफिस का नाम है। नागर भाई के पास पहुँचने वाले हैं, उल्टी बात कर रहा अंकल। गाड़ी यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, अबे गाड़ी तो कहीं भी लगा दो, गाड़ी तो गाड़ी है भाई, कि यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो छोड़ो, मूड खराब नहीं करना हमें। ठीक है चलो नागर के पास पहुँचते हैं, अब रिएक्शन देखते हैं उसका ब्रेकअप के ऊपर। नागर भाई अभी हमारी बहस होगी अंकल, तू वही तेरा गार्ड अंकल बकवास कर रहा, गाड़ी लगा दे मन लगा दे भाई। वो गार्ड अपार्टमेंट का नहीं है, वो गार्ड सॉलिटेरियन का है पूरे का, तो इसीलिए वो एंट्री करा था। तो एंट्री तो कर ली भाई गाड़ी की, कह रहा पहले हमने वहाँ लगाई, वहाँ से उठा के हमने वहाँ लगा दी, तो वहाँ लगा दे। हम करेगा यहाँ मत खड़ी करो और आगे खड़ी करो। पहले ये तो बता तेरा ब्रेकअप हुआ है क्या कभी? नहीं हुआ तेरा ब्रेकअप कभी? ओ माय गॉड दोबारा बोल। अच्छा चल चल ना चल। अरे भाई अरे यार कौन है, इतना सेलिब्रिटी सा लग रहा। अरे 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 आप अब यहाँ क्या कर रहे हो भाई? कुल्फी किस किसकी पैसों की है ये? राहुल राहुल उधर देखो ना। नागर भाई अब बताओ कैसा लग रहा आपको मेरे साथ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंडिविजुअल अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेलिब्रिटी के साथ खड़ा हूँ भाई मैं। भाई ये जा रहा है, कब चला जाएगा? लास्ट डे कब है इंडिविजुअल में? दो तारीख, दो तारीख को। आई मिस यू, आई आई विल मिस यू, आई विल मिस यू। ठीक है तेरे लिए ग्रेटर नोएडा रोज आना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है तो जुगाड़ आएगा, राहुल भाई की तो बात अलग है, पैसा आऊँ ऐसा हमारे में स्क्रिप्टेड नहीं चलता। अब मेरी बात सुनो भैया, मेरे को मेरे पहले बात तो बताओ आप मेरे को क्या बोलना है। क्वेश्चन ये है आपका ब्रेकअप हुआ कभी? मैं तो अभी कोई मुझसे फंसा ही नहीं। भाई भैया यूँ कह रहे कि मेरे से तो कोई फंसा ही नहीं अभी। यार लाइन तो बहुत देती है लेकिन जैसे अट्रैक्ट होती है ना वो पता नहीं, आती तो बहुत जोर से है बस वो भाग लेती है, जोर से होती है। हाँ। उतनी जोर से बाहर निकल जाती है, जोर से बाहर निकल जाती है। मैं समझ नहीं पाता कब क्या करूं कब ना करूं, तब तक बीच में मटर सब खत्म हो जाता है। ना ये तो पार्ट है जिंदगी का। हाँ। रिलेशनशिप ब्रेकअप ब्रेकअप कोई दिक्कत ना, अपने काम धंधे पर ध्यान देंगे, इसीलिए आगे बढ़ेंगे। जी सर मैं एमएससी किया हूं सर। अच्छा बीएससी किया हूं, एमएससी यूनिवर्सिटी से। हाँ। उसके बाद सर मैंने बीटीसी कर लिया। अच्छा क्वालिफाइड फॉर प्राइमरी जूनियर, अपने फॉर प्राइमरी बिजनेस चालू कर दिया मसाज चेयर का। सही है भैया, भगवान के तरक्की करो आप बहुत ज्यादा। चलो भैया अभी जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे तुम्हें। ठीक है ओके यार। अरे सुन दो ना यार, तुम तो भाग रहे हो। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कभी? नहीं है, मतलब है गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं। सिंगल हो ना? भाई सिंगल ही रहिए भगवान के साथ, बहुत जिंदगी बढ़िया है। ठीक है भाई हमारा फाइनली भाई। हाँ कुछ लो दादा भी तो उठाना है, मैं कह रहा हूँ मोटे फाइनली ब्लॉग में आके कैसा लग रहा है वापस जिंदगी में? पता नहीं मैं इतना फेमस क्यों नहीं हो पा रहा सौरभ भाई की तरह। अरे हो जाओगे तो मेरे साथ रहोगे तो तुम फेमस होगा यार, तुम तेरा सुपरस्टार। हाँ एक ही बार देसी काला का आदि मच्छी। अबे भाई अरे ओ ओ अरे भाई रह नहीं देता। कैसा लग रहा व्लॉग में आके वापस भाई? बहुत अच्छा। चलो आओ हाँ तो नागर के पास चले ना, मैं यूँ कह रहा हूँ एक लाइन आई है मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। और तेनू टैटू किसने कहा बनानू, और मेरा जी नहीं हो करता तेनु रुलाउनु। क्या लगा क्या लगा क्या लगा? चलो तुम्हारा रिएक्शन तो पूछूं मैं भाई। आज का कंटेंट ये था कि तुम तो व्लॉग देखना पूरा, तुम्हें समझ आ जाएगी कंटेंट क्या था। ठीक है बहुत तगड़ा चीज़ है। ठीक है यूँ बताओ कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? हाँ। तो ब्रेकअप के बाद कैसा लगता है? बुरा लगा। और अमर तेरे तो रिसेंटली हुआ नहीं हुआ वो तो पता नहीं, तो अमर का तो मैं मान ही नहीं सकता हुआ नहीं हुआ, मतलब पागल बना रहा है भाई। सो भाई देखा तुम्हें आज तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत करी है, तुमने आज पूरा देख लिया होगा व्लॉग में क्या सीन कर दिया तुम्हारे भाई ने। तो धीरे धीरे करके ऐसे लाते रहेंगे व्लॉग। किस्सा हुआ और कुछ
और तेरा ओ क्या कहता और तेनु टैटू किसने कहा बनानू और मेरा जी नहीं हो कर दर नॉलू क्या रोलानू अरे यू का अपने मुंह से खाने पे भी कॉपीराइट आ रहे हैं अगर आपकी बार कॉपीराइट आ गया ना यूट्यूब पे सीधा क्लेम ठोकूंगा भाई भाई के भी दोस्त वकील है ठीक है हल्के मत लियो केशव भाई हमारे वकील है गोविंद भाई हमारे वकील है गौरव अदाना भी सो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं अरे वो कुछ काम था सो इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा या वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आया तो लाइक कर देना और नहीं आया तो भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना बाकी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ अब थोड़ा पेस हम वापस से कैरी ऑन करेंगे कि सही ब्लॉग्स आए धीरे धीरे करके तो इसी बात पे और तेनु टैटू किसने कहा बनानू और मेरा जी नहीं हो कर दारू लानू चलो बाय टेक केयर लव यू गाइस बाय